हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे आम की लौंजी, और खाने में तो ये बहुत ही चटपटा लगता है। और आम का सीज़न चल रहा है तो ये लौंजी ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो उसके लिए मैंने लिया है, लौंजी बनाने के लिए ये 700 ग्राम आम है, देख सकते हैं। कच्चा आम लेना है, इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में डालकर छोड़ दिया था, और उसके बाद इसको निकाल कर मैंने पानी से अच्छी तरह से इसको धो लिया है। साफ कपड़ा से मैंने इसको पोंछ लिया है, इसमें पानी का अंश नहीं रहना चाहिए। इसको इस तरह से बनाएंगे ना तो इसको आप साल भर स्टोर करके रख सकते हैं और खा सकते हैं। तो चलिए अब इसका छिलका छील लेते हैं। इससे इसका छिलका छील लेंगे पीलर से। कच्चा आम लेना है, पका हुआ आम नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से सारे आम को छील लेंगे। तो देख सकते हैं इसको मैंने छील लिया है, अब इसको काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसको ऊपर से काट देंगे, फिर इसको बीच से काट लेंगे। इस तरह से इसका ये गुठली निकाल लेंगे। फिर इसको लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से। ज़्यादा मोटा नहीं काटेंगे इसको, बस इतना ही पतला रखना है। इसी तरह से सबको काट लेंगे। तो इसको मैंने काट लिया है, देख सकते हैं, और इससे बीज निकला है और छिलका निकला है। तो ये इस क्वांटिटी में ये थोड़ा सा कम हो गया है, उससे 700 ग्राम से कम हो गया है। तो इसमें डालकर देख लेंगे कि कितना होता है ये आम कटा हुआ। तो ये इस कटोरा से एक कटोरा हुआ है भरकर। कुछ मसाले लिए हैं, हाफ टी स्पून कलौंजी है, 1 टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून अजवाइन, और ये मैंने 2 सूखा लाल मिर्च लिया है जिसको मैंने तोड़ लिया है, और 2 तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डालने से ना बहुत टेस्टी बनता है लौंजी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई लिया है मैंने, इसमें डाल देंगे सरसों का तेल 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। बस इतना ही तेल डालना है। तेल गरम हो गया है, ये जो मैंने मसाला लिया था वो सारा डाल देंगे इसमें, और इसको भून लेंगे थोड़ा सा, जब तक ये चटक ना जाए उतना भून लेना है। ये चटक गया है, इसमें डाल देंगे आम कटा हुआ। इसको चला लेंगे, तो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो इसको चला लिए हैं, अब क्या करेंगे, इसको 5 मिनट इसको भून लेंगे आम को। इसको ढक देते हैं अभी 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। इसके अंदर का जो ये पानी है ना वो थोड़ा सा सूख जाएगा भूनने से, और आप स्टोर करके इसको रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगा। देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है, और हल्का हल्का ये भून गया है।
उसमें डाल देंगे। ये मैंने चीनी लिया है, एक कटोरी आम था तो उससे थोड़ा सा कम मैंने चीनी लिया है, इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर। इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो गुड़ में भी बना सकते हैं इसको। देख सकते हैं थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। इसको अभी लो फ्लेम पर ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए, जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाए। देख लेते हैं, तो देख सकते हैं और कितना अच्छा से चीनी मेल्ट हो गया है। और ये अभी इसको पकाएंगे चाशनी में आम को अच्छे से, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी ये बहुत पतला है, देख सकते हैं। अभी इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाता है। तब तक मैंने 3-4 मिनट के लिए इसको ढक दिया था लो फ्लेम पर, और ये अभी पतला है इसका चाशनी। इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून मिर्ची का पाउडर, 1/3 टीस्पून हल्दी, इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे सौंफ का पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे जीरा का पाउडर, इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/3 टीस्पून ये रेगुलर नमक। सबको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। तो अभी ये पतला है बहुत, देख सकते हैं। इसको अभी ढक देंगे लो फ्लेम पर। देख लेते हैं इसको, तो देख सकते हैं ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में अब आ गया है। देख सकते हैं झाग आ रहा है इसमें बहुत सारा। देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है चाशनी। इसका कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इतना ही गाढ़ा होना चाहिए इसका चाशनी। और लगभग मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए आम को चाशनी में। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आएगा लौंजी का। तो देख सकते हैं ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब इससे ज़्यादा पकाएंगे तो ये चीनी जमकर उसमें कड़ा हो जाएगा। तो ये बनकर रेडी हो गया है। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये ठंडा हो गया है, और देख रहे हैं और कितना ये गाढ़ा हो गया है। खाने का तो मज़ा ही कुछ और है इसको खाने का। पूरी पराठा के साथ खा सकते हैं, बच्चे को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं खाने के लिए। बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा बना है। देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये। तो देख सकते हैं ये खट्टा मीठा लौंजी बनकर तैयार हो गया है, और कितना यम्मी लग रहा है ये। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।